नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या की राजधानी नैरोबी में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यटन जैसे मुद्दों पर की बातचीत। कहा, देश की विकास दर 8% तक ले जाना है उनका लक्ष्य। आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती। मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नाइक की बड़ी मुश्किलें। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने पीस टीवी पर लगाया प्रतिबंध। नाइक से प्रेरित थे ढाका हमले के आतंकी। दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध तेज। विद्रोहियों और सैनिकों के बीच संघर्ष। 50 से ज्यादा लोगों की मौत। सभी भारतीय सुरक्षित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने धैर्य रखने का आग्रह किया। उच्च सदन में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के गठबंधन की शानदार वापसी। जापान के अहम मुद्दों पर लिए जा सकते हैं फैसले। शिंजो की आर्थिक नीतियों और सैन्य व्यवस्था को लेकर जताई जा रही है चिंता। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैलकॉम टर्नबुल ने की जीत की घोषणा। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन ने मानी हार। ऑस्ट्रेलियाई जनता का किया धन्यवाद। ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन ने 21 मिनट का ऑडियो जारी कर अमेरिका को दी धमकी। पिता की मौत का लेगा बदला। कहा, ग्लोबल टेररिज्म ग्रुप अमेरिका के खिलाफ जारी रखेगा अपनी लड़ाई। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।